जय हिंद डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है सम यूनिवर्सल लॉज का। सो दैट इफ द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय टू जेड, ये जेड है, पार्टीशन फंक्शन को जेड से लिख रहा है, देन जेड द मेन एनर्जी ई बार, मेन एनर्जी इसको ई बार इज गिवन बाय, तो मेन एनर्जी गिवन बाय ये है, इसको प्रूव करके दिखाना है हमको, प्रूफ करके दिखाना है। और बीटा इक्वल टू के टी है, बीटा इक्वल टू, ये जो बीटा है बीटा इक्वल टू के टी है। तो हम जानते हैं कि इफ मेन एनर्जी इतना ऑफ अ सिस्टम ऑफ एनसेंबल और जिसमें एन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, ठीक है, एनसेंबल कॉन्स्टिट्यूएंट एन सच द इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो यहां पर जो ई है ये मेन एनर्जी है, ये एनसेंबल की टोटल एनर्जी है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करें तो क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को टोटल एनर्जी है तो आयत टर्म लेंगे और यहां से कितना लेंगे, ये किसी एक पार्टीशन की एनर्जी और उस पार्टीशन में या उस फेज सेल में रहने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रहने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पर एन क्या होगा, सिग्मा आई, और यहां से कितना हो जाएगा एन आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन आई हो जाएगा, इतना आप तो जान ही गए होंगे। अब अगर हम मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करें तो क्या हो जाएगा, तो ये भी यूज कर लेते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करें तो क्या होगा बेटा, तो वो फार्मूला आप जानते ही हैं कि एन आई इक्वल टू क्या होता है, जी आई अपॉन e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, यही फार्मूला होता है, यही तो होता है। और इसी को अगर हम चाहें तो जी आई इक्वल टू e टू दी पावर माइनस अल्फा e टू दी पावर माइनस बीटा ई आई लिखते हैं। अच्छा, e की पावर अल्फा यहां है तो अल्फा क्या है, तो अल्फा यू नो वेरी वेल की लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, ये क्या है, लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करके हम तभी चल रहे हैं। तो ये एन आई इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू अगर उठा के यहां रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आई और ई आई तो एज इट इज रहने वाला है, और एन आई की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जी आई ए टू द पावर माइनस अल्फा ए टू द पावर माइनस बीटा और ई आई, ये हो जाएगा, और सिग्मा आई और एन आई की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, जी आई e टू दी पावर माइनस अल्फा e टू दी पावर माइनस बीटा ई आई, ये हो जाएगा यहां पर। चलो इतना हो गया इसी क्वेश्चन को, ये मीन एनर्जी है, मीन एनर्जी है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हाँ ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, और क्या चेंज करेंगे इसी क्वेश्चन को, ई बार इक्वल टू, ई बार इक्वल टू जो लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है उसको अवॉइड करेंगे, हटाएंगे, तो सिग्मा ई आई और ई आई जी आई और ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई करेंगे, और अपान सिग्मा आई और जी आई बीटा माइनस बीटा और ई आई। तो अब आप देखेंगे ना, ये आप देखेंगे कि इसको इसको मैंने बाहर लेकर काट दिया, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है तो बाहर लेकर काट दिया, इसलिए इसको ऐसे लिखा। अब आप देखेंगे कि ये मेरा जो है ना, ये पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला है, पार्टीशन फंक्शन जेड इक्वल टू सिग्मा आई जी आई और ये ई है, ये ई है, ये ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, यही तो बनेगा बेटा। अब पार्टीशन फंक्शन ये है, इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बीटा के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल बीटा हो जाएगा, और सिग्मा आई और ये जी आई और ई आई बाहर हो जाएगा, जब कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और ई टू दी पावर माइनस बीटा और ई आई, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब आप देखेंगे कि जी आई ई आई ई टू दी पावर बीटा ई आई, इसकी पूरे की जगह पर हम डेल जेड अपॉन डेल बीटा लिख सकते हैं, तो मेन एनर्जी का फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल बीटा और अपान इसको, ये तो पार्टीशन फंक्शन है तो पार्टीशन फंक्शन जेड हो गया मेरा ये,
और इसको हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेल अपान डेल जेड अपान जेड लिख दे रहे हैं और वन अपान डेल बीटा को कुछ ऐसे लिख रहे हैं, या वन अपान डेल बीटा आगे आ गया और डेल जेड अपान जेड, और डेल जेड अपान जेड को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं डेल और लॉग जेड लिख सकते हैं और अपान डेल बीटा लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं बेटा। ई बार इक्वल टू डेल और डेल जेड अपान जेड लॉग जेड और डेल बीटा, और आई थिंक ये आपका यहां पर देखो माइनस आ रहा है। हाँ देखो डिफरेंशिएशन जब किया है ना तो वहां पर देखो ये माइनस ही आ जाएगा, कितना आएगा माइनस ही आ जाएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस वैल्यू रखते चलेंगे, माइनस रखते चलेंगे, यहां माइनस आ जाएगा, देखो थोड़ा माइनस भूला हुआ था तो। और बीटा की वैल्यू 1/KT है, ये यही हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ भी हो गया, इसको प्रूफ भी हो गया, देखो यहां पर तो ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही है दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही प्रूफ करना था, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक,